हाय, इस लेक्चर में मैं आपको मेज स्लाइड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये लाइट डिलीट कर लेता हूँ, जो भी लाइट है यहाँ पर। मेज स्लाइड में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है। काफ़ी अच्छी बात है ये। तो मैं फ्रंट में जाता हूँ और एक टोरस बनाता हूँ। और पर्सपेक्टिव में आता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ लाइट को। यहाँ के लिए और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एडिटेबल पॉली, और कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और मैं टॉप में आता हूँ, टॉप में मैं एक वीरे लाइट ही लेता हूँ, प्लेन लाइट। और इसको मैं मेश लाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कहीं भी बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इस यहाँ पर आता हूँ, पिक मेश। पिक मेश में ये मेश जो है इसको पिक करना है। अब ये वाली लाइट, अब ये वाला ऑब्जेक्ट लाइट में कन्वर्ट हो गया है। मैं कैमरा व्यू देख लेता हूँ और F3 दबा देता हूँ। ये लाइट में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको रेंडर करके चेक करता हूँ। ये देखिए, लाइट में कन्वर्ट हो गया है ये। और इसका कलर जो है देखना पड़ेगा। फुल वाइट है। ओके, मेश लाइट है। और मल्टीप्लायर में बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 60 कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, ये देखिए अभी वाइट हो गई है और लाइट भी काफ़ी दे रहा है ये। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अब मैं टीपॉट को लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं टीपॉट क्रिएट करता हूँ यहाँ से, टॉप से। पर्सपेक्टिव में मैं इसको देख लेता हूँ, ये कहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर नीचे है, या हवा में कहीं भी रख देता हूँ। और कैमरा व्यू में मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं एडिटेबल पॉली में। और मैश लाइट में टॉप में जाता हूँ और मैश लाइट सिलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ से मैश लाइट कहीं भी ड्रॉ कर लेता हूँ और इसी लाइट के पैरामीटर में जाता हूँ। पिक मैश, इसको पिक कर लिया और वो गायब हो जाएगा। अब मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ रेंडर। एक लाइट है टॉप में, शायद वो ये वाली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, मल्टीप्लायर में 80 कर देता हूँ। और अब मैं चेक करता हूँ, ये फुल वाइट है और लाइट छोड़ रही है, काफ़ी ग्लो है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि टी पॉट हो, या मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में आप इस मैश लाइट का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसकी जगह पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर स्वीट होम कर देता हूँ मैं।
और इसका साइज छोटा कर देता हूँ और इसको बाहर ले आता हूँ, ऊपर ले आता हूँ, और पर्सपेक्टिव में ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर घुसा हुआ है ये। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ और कैमरा व्यूपॉइंट में देखता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ इसको। टॉप व्यूपॉइंट से आता हूँ और इसको मैं बाहर की तरफ रख लेता हूँ यहाँ पर, और कैमरा व्यू में देखता हूँ यहाँ पर ये है, और इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड से। ये एक्सट्रूड किया मैंने और यहाँ पर 5 डाल दिया और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया एडिटेबल पॉली में। और टॉप में जाता हूँ, मैं टॉप में एक लाइट लगाता हूँ, पीरे लाइट, और मेश में ये क्लिक किया। और टिक मैच करता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट पर। अब कैमरा में जाता हूँ, अब ये लाइट में कन्वर्ट हो गया है, अब मैं रेंडर करके चेक कर सकता हूँ इसको। एस की जगह ए टाइप हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसी में ही बता देता हूँ। अब मल्टीप्लायर बढ़ा देता हूँ मैं, 80, 100, 100 कर देता हूँ, 1000 हो गया है, 100 कर किया मैंने। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइट ये फेंक रहा है, छोड़ रहा है। और इसका इस्तेमाल आप इंटीरियर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई भी आप एक लाइन डालिए या कुछ भी वायर जैसा बनाइए और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवार पर भी अच्छे से ग्लो देगा ये। तो ये लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।